हथौड़ा मदरसे का नाम सुना है इनका, है ना, यूपी में। मैं खुद गया था वहां हथौड़ा ही मारने, मेरा जलसा था वहां। इत्तेफाक की बात, दूसरे दिन हम लोग बैठे थे तो अखबार की एक रिपोर्ट, अखबार आया तो अखबार में देख रहा हूँ तो उसमें तस्वीर छपी हुई थी, अखबार की तस्वीर भी है मेरे पास, फाइल कहाँ रखी है, सूटकेस में रह गई। बहरहाल अभी तो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, मैंने अखबार देखा, मैंने कहा यार मौलाना साहब जो थे, मदरसे में जलसा था, मदरसे सुन्नत का मदरसा है, तो मैं वहाँ के मुफ्ती साहब से कहा हुजूर ये अखबार में छपी है, इसकी वीडियो मिलेंगी क्या, बोले देखते हैं ज़रा अपने पहचान का कोई हो तो पता करते हैं। बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने ढूंढा, मालूम हुआ रिपोर्टर पहचान का निकला, उससे फिर वो क्लिप हमने हासिल की। हथौड़ा में क्या होता है, हर साल दिवाली का जश्न मनाया जाता है, ये देवबंद के बाद सबसे मोहतबर मदरसा है इनका, सबसे बड़ा मदरसा, पूरा एक गांव का गांव है मदरसे का, इतना बड़ा मदरसा है हथौड़ा। दिवाली का जश्न मनाया जाता है, वहां के आसपास के सब गैर मुस्लिम आते हैं और क्या करते हैं दिवाली के नाम पे, जरा देख लीजिए आप ही खुद। ये मदरसा है थोड़ा, ये मदरसे के अंदर हो रहा है, ग्राउंड के अंदर। हाँ, ये दोनों नमूने वहां के मुफ्ती बाप बेटे, ये इनाम देके शील्ड लेके खड़े हुए हैं, जो अच्छा नाचेगा थिरकेगा लाठियां खेलेगा उसको हम शील्ड देंगे, अवार्ड देंगे। देखिए ये सब जायज है इनके यहाँ। ये सब हथौड़ा में हो रहा है, ये कारी मुफ्ती सिद्दीक है, इसके बाप को वली समझते हैं, वहां कबर वबर बना के रखे इसकी, और 5,000 रुपए इनाम में दिया उसने, कितने हजार, वहां फजूल खर्ची नजर नहीं आती, देवबंद खामोश, साना थाना भवन खामोश, सहारनपुर चुप बैठा हुआ है, हथौड़ा खुद हथौड़े मार रहा है। बरेलियों पे बाद में बोलो, पहले अपने घर की खबर लो। ये मौलवी हबीब है, उसका बेटा है ये मौलवी सिद्दीक का, ये उसका बेटा है, ये बाप बेटे दोनों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, नोट दे रहे हैं 5,000 के। सर ये कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के जमाने से जी, जब से ये स्कूल का है, बहुत सालों से बिदत चल रही है, ये आज की बिदत नहीं है, बहुत पुरानी बिदत है ये, पिताजी के जमाने, पिताजी भी बिदती थे, हम भी बिदती है, और पूरा हमारा मामला ही बिदती वाला है। और ये लोग सब हैं तो आस पास
पास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के दो तीन दिन के बाद फिर यहां आते हैं और अपना एक त्यौहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को सील, किसी को 5151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और सील जैसे नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके और इससे कहाँ है सुन्नत में इसका सबूत?